नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ सैमसंग A32 मोबाइल में आप यहाँ पे नोटिफिकेशन रिंगटोन की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन रिंगटोन आप अपनी पसंद का भी लगा सकते हैं और आपको जो सिस्टम में दिया गया है उसका भी लगा सकते हैं। तो नोटिफिकेशन रिंगटोन की सेटिंग करने के लिए आपको चले जाना है सेटिंग पे, और सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप इस पर क्लिक कर लेंगे, और इस पर जाने के बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन साउंड का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप इस पर क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे आपको दो सिम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपने दो सिम डाल रखी है इसमें तो यहाँ पे दोनों सिम में आप चेंज कर सकते हैं। अगर किसी एक सिम में चेंज करना चाहते हैं तो उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस टाइप का ये सेट हो रखा है, और यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको साइलेंट भी कर सकते हैं। तो साइलेंट पे अगर क्लिक कर देंगे तो आपका नोटिफिकेशन जो है वो साइलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी अपडेट नहीं आया है कि यहाँ पे हम अपनी पसंद का कोई नोटिफिकेशन साउंड लगा सकें, तो इस वजह से यहाँ पे अभी नहीं आ रखा है। तो यहाँ पे इस टाइप से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं नोटिफिकेशन साउंड। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी टाइप की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पे विजिट करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।